दोस्तों जब कभी दोस्तों हम कुछ भी चीज़ फाइनेंस वगैरह कराते हैं, जैसे कि अगर आप कोई मोबाइल फाइनेंस करवा रहे हो या फिर आप टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी या घर वगैरह ले रहे हो या फिर कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी फाइनेंस कराते हो, तो यहाँ पे सिविल दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है। आपका सिविल क्या है, आपका सिविल स्कोर क्या है, आपको नहीं पता होता है दोस्तों करके, तो यहाँ पर आप क्या फाइल आगे बढ़ाते हो, लेकिन बाद में आपको कुछ ऐसा मालूम पड़ता है जिससे आपकी फाइल वहाँ से रिजेक्ट वगैरह हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या है कि सिविल पता कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। आज के दोस्तों आपको बताऊँगा कि आप सिविल वगैरह कैसे निकाल सकते हो अपने खुद के एंड से, आप सिविल चेक वगैरह कैसे कर सकते हो, और बिल्कुल फ्री में है। ऐसा कोई नहीं कि यहाँ पर आपको कोई पेमेंट वगैरह करना है, टोटली दोस्तों बिल्कुल फ्री में आप जो अपना सिविल वगैरह यहाँ पे निकाल सकते हो। मोस्टली क्या दोस्तों 4 से 5 कंपनी सिविल वगैरह की होती है, तो सबसे ज़्यादा चलता है इंडिया में दोस्तों वो होता है ट्रांसजेंडर करके कंपनी, यहाँ पे उसका सिविल सबसे ज़्यादा यहाँ पर चलता है। हर जगह आप कुछ भी फाइनेंस कराओगे तो वहाँ पर वो सिविल आपका देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फटाफट से आज का छोड़ दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हैं क्रिएटर ऋषि। दोस्तों देखिए प्रोसेस पूरा सेम है एंड्रॉयड के लिए भी और ये आईओएस के लिए भी। ऐसा मत सोचना कि यार आईओएस में अलग है और एंड्रॉयड में जो है अलग मेथड है, कुछ मेथड अलग अलग नहीं है, सब कुछ जो है मेथड बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दोस्तों एक ऐप आता है, आपको उस ऐप को जो है डाउनलोड वगैरह कर लेना है। जो है एंड्रॉयड में दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा और एप्पल में ऐप स्टोर से जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसका दोस्तों नाम है वन स्कोर करके एक ऐप है। ठीक है, आपको सर्च कर लेना है और सर्च करना है दोस्तों यहाँ पर आपको जो उसको डाउनलोड वगैरह कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है, आपको 5G नेटवर्क है या तो वाईफाई से डाउनलोड करोगे। देखो डाउनलोड हमारा इमीजिएट हो चुका। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली अपने को उसको ओपन करना है, और ओपन करने का दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी आईडी बना लेना है। आईडी कैसे बनेगी, देखिए मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, ये डिटेल यहाँ पर दोस्तों आपको डालना रहेगा। ठीक है, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो हाल फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पर मेरी आईडी ऑलरेडी बनी है। मैं आपको बताना, जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे फर्स्ट टाइम, अगर आप इसको लॉग इन वगैरह करते हो, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जब भी डालोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपसे वो आपका आधार कार्ड पूछेगा, आधार कार्ड का नंबर पूछेगा या फिर पैन कार्ड या फिर उसका नंबर पूछेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल रहा हूँ, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पर नंबर जो है ब्लर वगैरह कर दिया है। मैंने मेरा नंबर डाला, गेट ओटीपी पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे एक ओटीपी आ जाएगा 4 नंबर का। ओटीपी दोस्तों वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मुझे पैन कार्ड या डिटेल मांगेगा, क्योंकि दोस्तों अभी हाल फिलहाल दोस्तों मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मुझे वो डिटेल मांगने को नहीं बोलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ टाइम मुझे वेट करना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों मेरे से ईमेल कन्फर्मेशन मांग रहा है। ठीक है, आपको भी जब भी फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट बनाओगे तो बहुत ही बेसिक डिटेल मांगता ही है आपको। फर्स्ट टाइम में मोबाइल नंबर से लॉगिन करना, देन आफ्टर आपको ईमेल डालना है, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना केवाईसी का डिटेल डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना जो है ईमेल डाल देता हूँ कंफर्मेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल जो है डाल दिया है। ठीक है, अब दोस्तों ये मेरा फैच कर रहा है, ऑटोमेटिक अकाउंट ऑलरेडी था इसलिए जो है इमीडिएट मेरा लॉगिन वगैरह यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अगर ये अकाउंट नया होता या फिर मैं नए मोबाइल नंबर से डालता तो मुझे ये सब डिटेल, केवाईसी डिटेल वगैरह डालने ही पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको भी ऐसा करना, और ऐसा करने यहाँ पर दोस्तों कोई पेमेंट वेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो टेंशन भी रहना कि ऐसे मत सोचना कि यार पेमेंट वेमेंट का ऑप्शन आएगा। यार यहाँ पर कुछ भी पेमेंट आपको नहीं करना, जीरो पेमेंट यहाँ पर फ्री है टोटली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका सब कुछ कंप्लीट होने दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से एक पोर्टल देखने को मिलता है, मतलब आपका ऊपर हेलो आ जाएगा, मेरा नाम आ गया हेलो ऋषि। और यहाँ पर दोस्तों आपको दो प्रकार के सिविल मिल जाते हैं, एक सिविल जो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ट्रांसजेंडर करके एक सिविल चलता है अपने इंडिया में, बहुत ज़्यादा चलता है, और एक एक्सपीरियंट करके होता है जो मोस्टली कंपनी करके ये प्रीफर करती है। एक्सपीरियंट में दोस्तों सिविल हमेशा हाई ज़्यादा दिखाता है, 850, 800, 750, ये मतलब कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे 60-70 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सिविल अभी 769 दिखा रहा है ट्रांसजेंडर में, और एक्सपीरियंट दिखा रहा है 754 मेरा सिविल दिखा रहा है। तो मतलब ये 750 से अगर आपका सिविल ऊपर होता, 700 से ऊपर होता, तो आपका सिविल अच्छा माना जाता। 700 मिनिमम दोस्तों सिविल होता है कि आपको अगर कुछ भी बाय करना है फाइनेंस पे, कुछ भी लोन उठाना है, तो आपका सिविल कम से कम 700 स्कोर होना ही चाहिए, तो ही आप बहुत 700 सिविल बहुत अच्छा होता है, और 700 पे इसी तरीके से लोन जो बैंक प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे 28 दिन लिखा है, तो मोस्टली कर दोस्तों क्या होता है सिविल कंपनी जो होती है वो 30 से लेकर 45 डेज के बीच का ही टाइम मांगती है अपडेट करने में। आपने मान लो आज भी लोन लिया, ऐसा नहीं हो कि कल वो लोन सिविल के ऊपर आपका चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 40 से 45 दिन का टाइम लगता ही है कम से कम कि यहाँ पर सिविल आपका अपडेट हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, माई होम, माई लोन, और यहाँ पे डिटेल्स एनालिसिस चेक करने का, ऑफर वगैरह। तो अगर दोस्तों आप सिंपली माई लोन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने पूरा डिटेल में ओपन हो जाएगा, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है, कितने डेबिट कार्ड है, कितने क्या लिया, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, कौन कौन से लोन है, क्या लिमिट है, कुछ भी है, सब कुछ यहाँ पर आपको इन डेप्थ में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है,
और दोस्तों उसके बाद अगर आपको और डिटेल में चेक करना है कि कौन सा लोन है, क्या लोन नंबर है, क्या नहीं है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों उसका एनालिटिकल जो है ओपन करना है, समरी उसकी ओपन कर लेना है। ठीक है, समरी ओपन करने का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना समरी यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर लिखा है योर क्रेडिट स्कोर इज़ गुड, ओके थैंक यू। और यहाँ पे हमें जो सिविल दिया है 769 सिविल दिया, 9 पॉइंट जो है इसके बढ़े थे अभी इस महीने। ठीक है, और देखो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट लिमिट एज अकाउंट इंक्वायरी और प्रोफाइल, यहाँ पर हमारा जो है 122 1 साल 9 महीने और 14 अकाउंट यहाँ पर जो है सब मतलब पूरा डिटेल में ओपन हो चुका है। हमने दोस्तों कितने पेमेंट ट्रैक पे करे नहीं करे ये हमें टोटल पेमेंट वाले में मालूम पड़ेगा। हमने सारे पेमेंट जो है ऑन टाइम भरे हैं, सारे लोन के पेमेंट ऑन टाइम भरे हैं। ठीक है, जो लिमिट वगैरह दोस्तों ये लिमिट आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको यहाँ पे शो करता है कि टोटल आपके क्रेडिट कार्ड कितने और आपने कितने क्रेडिट कार्ड की कितने लिमिट यूज़ कर लिए हैं यहाँ पे, तो ये लिमिट आपको वो शो करता है। एज मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके जो अकाउंट है जो लोन है वो कितने मैक्स टू मैक्स एज के लिए आपने लिया है, मतलब टेन्योर लिया, जैसे 6 महीने, साल, 1.5 साल, 4 साल, ये वो एज शो करता है अकाउंट दोस्तों। वो ये शो करता है कि आपके कितने लोन अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हैं और कितने लोन अकाउंट आपके क्लोज हैं। आप देखिए वो ऊपर मुझे दिखा रहा है 10 क्लोज है और 14 एक्टिवेट है अभी भी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्रेडिट कार्ड का भी अगर आपने कुछ यूज़ करा है तो यहाँ पर भी क्रेडिट कार्ड का भी एक अकाउंट आपका जुड़ जाता है। ठीक है, ऐड हो जाता है। और बाकी दोस्तों इंक्वायरी वगैरह और प्रोफाइल वगैरह आप अपना कुछ चेंज वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर आप पता कर सकते हो कोई सी भी दो कंपनी का सिविल यहाँ पे। और यहाँ पर दोस्तों आप अगर एक्सपेंट बताओगे तो एक्सपेंट में दोस्तों यहाँ पर आपको भी वही सेम चीज़ दिखेगा और ट्रांसलेट में करोगे तो भी सेम ही दिखेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। दोस्तों अगर वीडियो लगा करना चाहें तो अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए जय वंदे मातरम।